गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये प्लांट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है युक्का। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। ये हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर लुक देता है। ये बहुत ही स्लो ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियां ऐसे तेल जो पूंछ होती है ना, पूंछ की तरह ही होती हैं। ये देखो, ये मेरा 5 साल पहले ही मैंने लगाया था, मेरे पापा जी ने मुझे दिया था। तब ये बहुत ही छोटा सा था और अब ये 5 साल का हो गया है। और इसकी स्टीम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, नीचे नीचे की पत्तियाँ थोड़ी बहुत ऐसे ब्राउन हो जाती हैं। और इसमें देखो, ये जो इसकी रूट्स होती हैं इनमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं ऐसे। देखो, ये थोड़े दिन पहले ही एक था, अब ये 2 निकल आए हैं। और थोड़े दिन के बाद में मैं इनको अलग दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दूँगी, निकाल के लगा दूँगी। और दोस्तों, इसको पानी हमें कम ही देना है और खाद भी हमें 6 महीने में एक बार ही देनी है। जैसे फरवरी में दे दो एक बार या फिर सितंबर में दे दो। और इसकी जो, ये देखो, ये दिखाती हूँ आपको, ये इसी जो है ना युका, इसी में से बेबी प्लांट था और मैंने पिछले साल ऐसे जैसे छोटा सा ही लगाया था। और ये देखो, अभी 1 साल में इतना ही इसकी ग्रोथ हुई है, ये स्लोली ग्रोथ करता है। और एक मैंने ये लगाया था, 2 थे पिछली बार भी बेबी प्लांट। और ये मैंने इसमें मोशरोज ऐसे ही छोटी सी कली लगाई थी और ये देखो कितनी ग्रोथ हो गई। मोशरोज तो बहुत जल्दी बढ़ता है और ये युक्का है, ये थोड़ा स्लोली बढ़ता है। तो ये 2 बेबी प्लांट मैंने एक इसमें लगाया था, ये मैंने छत पर रख रखा था। आपको दिखाने के लिए मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ। इस प्लांट को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये बेबी प्लांट जो हम डिवाइड करके लगाते हैं, ये वाला मेथड मुझे सही लगता है। मैं हर साल 2 बेबी प्लांट इसके लगा ही लेती हूँ। और एक बात और बताती हूँ मैं आपको, ये जो युक्का प्लांट है इसी के तरह दिखने वाला एक सेम प्लांट और होता है जिसका नाम है पोनीटेल। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने एक वीडियो में इस प्लांट को पोनीटेल प्लांट बोल दिया था, लेकिन है ये युक्का प्लांट। पोनीटेल प्लांट होता है, उसकी पत्तियाँ तो ऐसे ही पूंछ की तरह ही होती हैं और उसके नीचे स्टीम में बॉल की तरह ऐसे बना हुआ होता है और दिखने में सेम ही होता है। तो ये तो हुई पोनीटेल की बात। अब आते हैं वापस युक्का पे। तो युक्का वाला जो प्लांट है, इसको हमें शेडिड एरिया में ही रखना चाहिए। इसको ब्राइट लाइट पसंद है, तेज़ धूप में ये इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ये ब्राउन ब्राउन हो जाती हैं। तो हमें इसको तेज़ धूप में नहीं रखना, थोड़ी बहुत धूप चल जाती है, जैसे मॉर्निंग की थोड़ी बहुत धूप चल जाती है, 1 घंटे की धूप हम इसको लगा सकते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। बाकी हमें इसको शेडिड एरिया में ब्राइट लाइट में ही रखना चाहिए। इसकी हमें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, बस ये यही है, पानी देना हो जब हमें गमले में, जब 1 इंच तक सूखी मिट्टी हो जाए तभी हमें पानी देना है। इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना, वरना हमारी जो इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये पत्तियां ब्राउन ब्राउन होने शुरू हो जाएंगी। और ये मैंने इस छोटे से पॉट में ही लगा रखा है अभी। तो मैंने पिछली बार इसकी रिपोर्टिंग की है, पता नहीं क्या सोच के इस छोटे गमले में लगा दिया, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग मैं बड़े गमले में ही करूँगी और आपके साथ वीडियो शेयर भी करूँगी मैं कैसे रिपोर्टिंग करती हूँ। और ये देखो, इसका बेबी प्लांट मैंने यहाँ पे रख रखा है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ही कम आती है। ये साइड में मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं तो इसी के साथ में मैंने रख रखा है। ये शेडिड एरिया में या फिर जहाँ पे कम धूप आती है वहाँ पर इसको रखना चाहिए। ये देखो, आपको मेरा ये युक्का प्लांट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी ज़रूर करना। और मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।